डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए। जो बर्तन है ना ये रिंगाल से बना हुआ है, ऐसे हमारे इस खेत में तो बहुत बड़े बड़े बाल आ रखे हैं भाई मंडवे के। ये देखिए वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, मैं हूँ ज्योति और स्वागत आप सभी का एक और बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति ब्लॉग्स में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से हेलीसेंट शहर से और इन हरे भरे पहाड़ों से। आज की मेरे इस नए दिन और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। बाकी आज मौसम हेलीसेंट घाटी और सामने के पहाड़ों में कुछ इस तरह से है। आज सुबह से थिलीसैंड की घाटी और बिंदेश्वर की ऊंची पहाड़ियों में ना मौसम खुशनुमा सा रहा, यानी कि आज सुबह के टाइम पे तेज बारिश हो रही थी। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ अभी सामने वाली ऊंची खूबसूरत सी पहाड़ियों में ना आसमान में हल्के हल्के बादल फिर से आने लग गए हैं और इसी के साथ कहीं कहीं पर ना नीला नीला आसमान भी खूब सुंदर सा दिखाई दे रहा है। आज जैसे कि शनिवार है तो हर शनिवार इतवार को छुट्टियों के दिन ना हम यहाँ थिलीसैंड से घर चले जाते हैं, यानी कि मायके वाले गांव चले जाते हैं। और सोमवार को ना जन्माष्टमी भी है, उस दिन हमारे गांव में ना पत्ती मेला कौथिक भी है, तो चलिए जी कौथिक में भी शामिल होने के लिए चलते हैं। और बहुत टाइम बाद ना हमारे गाँव में ऐसा मेला हो रहा है, तो अच्छी बात तो ये है उस दिन जन्माष्टमी की छुट्टी भी है तो बच्चों को ना स्कूल से छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, ये भी अच्छी बात होगी। बाकी अभी के टाइम पे मैं हो गई हूँ रेडी और अब यहाँ से निकलते हैं। बाकी यहाँ देखिए मैंने बैग भी पैक कर दिया था लेकिन बच्चों ने बैग खोल दिया था, एक बार में बैग को बंद कर लेते हैं फिर निकलते हैं। बाकी आज मैंने सोचा है कि हम गाड़ी में नहीं जाएंगे, हम पैदल जाने वाले हैं गाँव तक। और आजकल ना मायके के साइड में बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, यानी कि 1 महीने बाद जा रही हूँ, तो देखते हैं रास्ते में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना यहाँ। तो देखिए अयास ने इतने में बैग भी बंद कर दिया, थैंक यू। चले चलो 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 तो चलो। ये राजी सामने पे थिलीसैंड का टैक्सी स्टैंड और अभी के टाइम पे टैक्सी स्टैंड में काफ़ी भीड़ भाड़ा वाला माहौल हो रखा है, यानी कि खूब सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रखी है अलग अलग गांव से। बाकी दिन के टाइम पे तो यहाँ टैक्सी स्टैंड में खूब चहल पहल देखने को मिल रहा है, यानी कि खूब सारी गाड़ियाँ रहती है। और अभी 3-4 बजे के आसपास ये सारी गाड़ियाँ ना यहाँ से निकल जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर खाली खाली वाला माहौल हो जाता है। तो चलिए जी आज गाड़ी में नहीं जा रहे हैं तो पैदल रास्ता ये वाला ऊपर वाला है, तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है तो इसी रास्ते जाने वाले हैं भाई आज हम। बाकी आज हम अपने गांव रौली तक जंगलात के इस शॉर्टकट रास्ते होते हुए जा रहे हैं और यहां से ना करीबन 1 घंटा लगता है हमारे गांव में जाने के लिए। अगर हम टैक्सी से जाते तो आधा घंटा या 15 मिनट ही लगते हैं, लेकिन चलिए जी कभी कभी पैदल भी जाना चाहिए और मौसम सही रहा ना तो हम टाइम से ही पहुँच जाएंगे, यानी कि बारिश नहीं हुई तो। और बारिश हुई तो भाई बुरे हाल हो जाएंगे, साथ में बच्चे भी हैं तो अब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाकी आजकल देखिए यहाँ थिलीसैंड के ब्लॉक फील्ड में कितने बेकार हालात हो रखे हैं, यानी कि सामने पे एक नए भवन का निर्माण हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पूरे फील्ड में इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखी है ना, बोला कीचड़ वाला माहौल हो रखा है। कीचड़ में नहीं रखते पैर, चलो। तो अभी के टाइम पे हम लोग पैदल चल ही रहे थे रोड़ी रोड, देखिए इतने में हमारे गांव की गाड़ी हमें मिल गई है तो अभी हम गाड़ी में भी बैठ गए हैं, तो देखिए आगे का सफर कैसे करते हैं। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं कैन्योर गांव में और यहाँ से ठीक नीचे वाली इस जगह पे राजी कैन्योर गांव। और ये गांव ना हमारे थिलीसैंड ब्लॉक में सबसे बड़ा गांव है, बहुत ज़्यादा परिवार इस गांव में रहते हैं, कम से कम 1000 से ज़्यादा परिवार। और इस गांव में ना बहुत सारे पहाड़ी ट्रेडिशनल घर देखने को मिल रहे हैं। बाकी गाँव के चारों ओर ये सीढ़ी नुमा खेत झंगोरे और मंडवे की फसल के हैं और आजकल इन खेतों में देखिए झंगोरे की फसल ना पक के तैयार हो गई है और अब 10-15 दिन बाद ना लोग इस फसल को काट लेंगे अपने अपने खेत। कंटिन्यू चलने के बाद हम लोग ना 15 ही मिनट में बांदड़ी गांव के इस वाली जगह पे पहुंच गए हैं और यहां से ना हमारे वाले बगड़ांग के मोहल्ले में जाने के लिए सामने वाला पैदल रास्ता है। तो चलिए जी अब चलते हैं घर की ओर और हम ना बहुत जल्दी पहुँच गए हैं भैया से, अगर पैदल आते ना
तो एक घंटा तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे ना ये रास्ता बड़ा ऊपर खाबड़ सा है और बच्चों को देखिए ऐसी दिक्कत होती है यहाँ पे जाने में, हाथ पांव टेकने पड़ते हैं दोनों, है ना। आराम से है, यहाँ से ऊपर ऊपर रुको, मैं आ रही हूँ, वहीं पर रुको, चले जाओगे। ये देखिए जी अयास तो बहुत मोटी खोपड़ी का है ना, चला जाता है कैसे ना कैसे करके। हमारे घर तक जाने वाले इस पैदल रास्ते के ठीक ऊपर साइड ना पहाड़ी कंदमूल घिंगरू की झाड़ी है और इस पे ना बहुत सारी मात्रा में घिंगरू के लाल लाल फल लगे हुए हैं। भाई ये फल ना आजकल बरसात के सीजन में ही हमारे पहाड़ों में ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर ऊपर खाबड़ यानी उखड़ जैसा होता है। यहाँ पे देखिए पथरीली चट्टान है और ये वाले पेड़ ना पथरीली चट्टान पे ही ज़्यादा उगते हैं। बाकी ये फल दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, छोटे छोटे और लाल लाल कलर के, और आजकल ही बहुत सारे घिंगरू इस पे पके हुए हैं। खाने में ये फल बहुत मीठे स्वादिष्ट होते हैं भाई। मैं भी खाऊंगा। बच्चों को देखिए घिंगरू देखते ही खाने का मन हो गया, लो खाओ। तो आज हम सही टाइम पे ना अपने घर के थोड़ा सा नीचे पे पहुंच गए हैं और अभी के टाइम पे देखें नीचे थलीसैंड साइड से ना बहुत तेज बारिश आने लग गई है। भाई पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, थोड़ी देर पहले मौसम सही था और अभी के टाइम पे बारिश होना शुरू हो गई है और वहाँ की बारिश ना बहुत तेज़ी से यहाँ तक आ जाती है। तो चलिए जी बारिश के आने से पहले हम घर निकल जाते हैं। बाकी इस रास्ते के ठीक दूसरी तरफ देखिए पूरी आपको गौशालाएं देखने को मिल रही होंगी। ये गौशालाएं बांदड़े गाँव वाले की है। बाकी हमारे पहाड़ों में ऐसी ही ट्रेडिशनल गौशालाएं पुराने समय से लेकर अभी तक भी बनाई जाती है। इन्हें बनाने के लिए मिट्टी पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इन गौशालाओं की छत देखिए पूरे बड़े बड़े पत्थरों वाली है, वो इसलिए कि सर्दियों के सीज़न में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फ़बारी होती है। तो ठंड के सीज़न में ये गौशालाएँ ना गर्म रखती है गाय भैंसों को, और जो इनकी छत होती है ना वो ढलानदार इसलिए होती है कि बर्फ़ जल्दी से पिघल जाए ताकि पानी ना अंदर ना बैठे। बाकी इन गौशालाओं की छतों पर देखिए खूब सारा पिरुल वाला घास भी रखा हुआ है। ये घास ना गाय भैंसों के नीचे बिछाने के लिए काम आता है ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। तो चलिए जी अब इसी रास्ते होते हुए हमें ऊपर जाना है अपने घर की तरफ। तो अब मिलिए हमारे चाची जी से, कैसे हो? अच्छा तो चाची देखिए अभी के टाइम पे ना घास झंगोरा की लवाई करने गई थी। तो ये देखिए आजकल हमारे पहाड़ों में ना खेतों में झंगोरा की फसल भी ना पक्के तैयार हो गई है। और ये ना कि झंगोर बोले नहीं खड़े, ये घर्रा झंगोरा है ना ना उनके क्यों नहीं खड़े। अच्छा तो झंगोरे की काफी प्रजातियां होती है, तो ये सफेद वाला झंगोरा है और इसी के साथ देखिए ये है कौड़ी। तो इस कौड़ी के ना बहुत टेस्टी खाजे बनते हैं यानी कि बुखड़े। तो चाची बनाई है अब बुखड़े और देखिए ये पूरी जो बर्तन है ना ये रिंगाल से बना हुआ है। ऐसे हमारे गढ़वाल में घीड़ बोलते हैं, कहीं कहीं जगह से कंडी भी बोलते हैं। ऐसे बनाने का तरीका भी हर जगह अलग अलग है भाई पहाड़ों में। तो देखिए चाची कब गए, कब गए तो फुंगड़ों में? मैं चल गई 9 बजे बटापड़े। 9 बजे अच्छा तो चाची देखिए सुबह के 9 बजे चली गई थी और चाची ने 2 कट्टे और 1 ये घेड़ा भर के झंगोरे की लवाई की यानी कि कटाई है ना। और खाना ख्याल ना आप बाबा खाना खाने। तो देखिए जी हमारे पहाड़ों में ना जब काम काज का सीजन होता है ना तो भाई खाने पीने की फुर्सत भी नहीं रहती है ना। तो हमारे घर के ठीक नीचे पे बांदड़े गाँव वालों के खेत है और इन खेतों में देखिए पूरे में ना मंडवे की फसल बो रखी है, यहाँ ऊपर भी और यहाँ से ठीक नीचे वाले खेत में भी। बाकी इन खेतों में मंडवे के साथ साथ ना चौलाई भी बो रखी है और आजकल चौलाई के इन पौधों में ना चौलाई की खूब लंबी लंबी चुटिया आने लगी है यानी कि धोपली बोलते हैं। और ये देखिए ये ना लाल चौलाई है। बाकी इन खेतों में ना बाली कोद वो रखा है, हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में मंडवे को ना कोदा बोलते हैं। और इस खेत में तो बहुत बड़े बड़े बाल आ रखे हैं भाई मंडवे के, ये देखिए जी। और काफ़ी सुंदर सा लग रहा है भाई ये वाला खेत भाई। बाकी इस खेत में ना देखिए दालें भी बो रखी हैं, वो भी काले सोयाबीन भट्ट और सफ़ेद सोयाबीन के, ये देखिए जी। मतलब अब ना अगले महीने तक ये फसलें ना पक्के तैयार हो जाती है और उसके बाद इस फसल की लवाई कटाई होना शुरू हो जाती है भाई।
तो चलिए जी, फाइनली एक महीने बाद मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके वाले घर पे। और आजकल देखिए हमारे घर के नीचे साइड आंगन के खूब सारी काकड़ियों की बेल हो रखी है, और इन बेलों पे बहुत सारी मात्रा में देखिए ककड़ी भी लगी हुई है ना। नानी प्रणाम कर दे। हाँ नमस्ते, प्रणाम कर दे नानी को पैर से। ठीक है बोल, है ना। कैंडी अभी तक खत्म नहीं है। भाई साहब ये बेले देखिए कितनी ज़्यादा झुक रखी है यहाँ आंगन की ओर, और कितनी ज़्यादा मात्रा में इन बेलों पे फ्लावरिंग हो रखी है, और उससे ज़्यादा ना काकड़ियाँ लग रखी है। ये देखिए जी, कुछ छोटी साइज़ की हैं और कुछ ना बड़ी बड़ी साइज़ की हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रखी हैं भाई साहब। अब तो डेली जब तक घर रहेंगे ना तब तक ककड़ी खाएंगे, है ना। और यहाँ ऊपर ऊपर साइड भी बहुत सारी लगी हुई हैं, और सामने नीचे की ओर भी। और यहाँ नीचे के साइड किचन गार्डन में खूब सारे सूरजमुखी के पौधे हो रखे हैं, और इन पौधों पे बहुत सारे सूरजमुखी के ये फूल खिले हुए हैं भाई। और यहाँ सामने देखिए इतनी ज़्यादा ककड़ी लगी हुई है ना, ये वाली तो पीली हो गई है। और इसके साथ यहाँ देखिए, ये देखिए जी कितनी ज़्यादा लगी हुई है। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और मेरे रूम की हाल देखिए कैसे हो रखी है। माने यहाँ बेडिंग भी नहीं कर रखी है ना। अरे यहाँ से आते के झुंझुना ले लिया। सोमू का झुंझुना है ये, सोमलू का। अभी दिन के करीबन 2:30 बजे का टाइम हो गया है, और हाथ मुंह धोने के बाद ना अब लंच कर लेते हैं। बाकी आज का खाना देखिए जी माने ही बनाया है हमारे लिए। क्या क्या बना रखा है, तो इस फ्राई पैन में माने रायता बना रखा है। आजकल खूब सारी काकड़ियाँ भी लगी हुई है, और घर की दही का रायता बनाया जी। देखिए आज दो दो बर्तनों में रखा है माने। क्या क्या बनाया, और दाल चावल, और इस कटोरी में देखिए सलाद भी काट रखा है। तो चलिए जी एक बारी में टेस्टी से लंच खाना ले लेते हैं। तो लीजिए माने मेरे लिए लंच की थाली भी लगा दिए है। आज के लंच में माने बनाया है चावल इसी के साथ मिक्स दाल। और आजकल देखिए जैसे खूब सारी खीरा हमारे आंगन में बेलों पे लगी हुई है, तो देखिए माँ ने थोड़ी देर पहले खीरा भी तोड़ दी थी। और इस कटोरी में देखिए हरे नमक और मिर्च का ना, सॉरी हरे मिर्च और नमक पीस रखा है सिलबट्टे में वो भी। तो अब ना सलाद के लिए काकड़ी काट लेंगे। तो टेस्ट सा लंच भी हमने कर लिया है, और माँ के हाथ का बना हुआ खाना ना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, और बहुत टाइम बाद खाया भाई। और अब मिली है हमारी सोमू से। तो अभी तक ना सोमू सो रही थी, ये देखिए नहीं आ रही है मेरे पास। अगर आप सोमू को नहीं जानते हैं तो सोमू ना मेरे छोटे वाले भाई की 3 नंबर वाली बेटी है। तो मेरे छोटे भैया की ना 3 बेटियां हैं, अंशिका, सृष्टि और सोमिया, है ना। और सोमे हाय कैसे हाय कैसे है बच्चा। अच्छी ये देखो तो काफी टाइम बाद इसने मुझे देखा नहीं है ना, तो आ नहीं रही है मेरे पास, है ना। तो आजकल सोमू ना इधर उधर जाने लगी है, तो इसका ना गिरने का खतरा भी है। तो माँ ने देखिए इसको ना निवार दिया है। तो हमारे पहाड़ों में ना ऐसे ये देखिए ये कपड़े से ना पैर बांधने के लिए ऐसा निवाड़ बनाया रहता है, और बच्चों को ना कुछ ऐसे टांग पे ऐसे बांध लिया जाता है ताकि बच्चे ना इधर उधर ना भागे, और ऐसे में इनको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और बच्चे एक ही जगह में बैठे रहते हैं, है ना। सोमू कागनू। तो अभी बारिश हो गई है, तो अब छत पे चलते हैं, और वहां से आपको चार ओर के खूबसूरत से नज़ारे दिखाते हैं भाई बारिश रुकने के बाद के। तो सामने पे राजी हमारा पुराना घर, और अभी मैं नए वाले घर की ऊपर छत में जा रही हूँ, और वहीं से आपको चार ओर के नज़ारे दिखाऊंगी। बाकी आंगन से ये बेल देखिए यहाँ छत में आ गई है, और इन बेलों पर देखिए छोटी छोटी काकड़ी की फुलड़ियाँ भी लगी हुई है, ये देखिए जी। और नीचे की ओर तो बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई है। और यहीं किचन गार्डन में माल्टे का पेड़ भी है, और आजकल इस माल्टे के पेड़ पे खूब सारे माल्टे हो गए हैं, वो भी बड़े बड़े साइज़ के। तो लीजिए मैं आ चुकी हूँ अपने छत पे। बाकी यहाँ से
चारों ओर के नज़ारे अभी के टाइम पे बड़े गजब के दिखाई दे रहे हैं भाई। जैसे कि अभी बारिश रुक गई है तो सामने विंध्येश्वर की ऊंची पहाड़ियों से ना आसमान में हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं और यहाँ नीचे की ओर बादल छट गए हैं तो नीला नीला आसमान भी काफ़ी सुंदर और प्यारा सा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सामने विंध्येश्वर की घाटी में इन पहाड़ों में बहुत सारे अलग अलग गाँव भी अभी के टाइम पर क्लियर दिखाई दे रहे हैं। सोच रहे होंगे हमारा घर ना अकेली सुनसान जगह पे क्यों है, तो हम लोग ना अपने बगड़ांग वाले मोहल्ले के इस वाली जगह पे रहते हैं, यानी कि इस वाले जगह पे ना किसी और के भी घर नहीं है, हम लोग यहाँ पे अकेले अकेले बसे हुए हैं। बाकी सामने वाली धार पे राजी हमारा पूरा बगड़ांग का मोहल्ला और उस वाली धार में ना कम से कम 25 से 30 परिवार रहते हैं और गाँव ना यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब 5-10 मिनट तो गाँव में जाने पर लग ही जाते होंगे यहाँ से। बाकी हमारे किचन गार्डन में यहाँ पे इस वाली जगह पे बड़ा सा तेज पत्ते का पेड़ है और आजकल इस पूरे पेड़ पे ना अलग अलग सब्जियों के बेलें जा रखी है, यानी कि नीचे की ओर से कद्दू की बेल भी आ रही है और ये ऊपर ऊपर जो बेल दिखाई दे रही है ना आपको, ये पूरी स्कूच की बेल है। और इसी के साथ साथ ये देखिए, ये छोटे छोटे पत्ते वाली बेल दिखाई दे रही है, ये मीठे करेले की है, यानी कि 3-4 बेलें एक साथ ही इस पर लगी हुई है और अब ना कुछ टाइम बाद इन पे खूब सारे सब्जियां लगने वाली है। जो सुकून हमारे पहाड़ों में है ना वो कहीं नहीं है भाई, और आजकल तो गजब का माहौल है भाई हमारे पहाड़ों में, स्वर्ग में रहते हैं हम लोग, स्वर्ग में, इसे कहते हैं जन्नत। और यहाँ के लोगों की लाइफ वैसे तो बहुत कठिन होती है, लेकिन ऐसे रंग बिरंगे माहौल में रहना ना हम लोग की एक आदत सी हो गई है और हम लोग को यहाँ रहने में कोई परेशानी भी नहीं होती भाई। तो अभी भाई सामने आसमान से बादल छट गया है और वहाँ से ना बहुत तेज धूप की चमक निकलने लगी है, यानी कि सूर्यदेव के ऊपर से सारे बादल छट गए हैं। तो देखिए शाम के टाइम की धूप ना बड़ी प्यारी लग रही है भाई इन पहाड़ों पे। मैंने देखिए अभी के टाइम पे काफ़ी सारे मूरी के पौधे वहाँ से काट लिए हैं और इन पर देखिए इस साल ना कुछ ऐसी मूंगरियाँ लगी है, छोटे छोटे साइज़ की, अच्छी नहीं हो रखी है लेकिन काफ़ी पक्की है ये वाली मुंगरियाँ। अब इन मुंगरियों को ना उबाल के खाएंगे हम, उबाल के खाएंगे। और माँ के हेल्प देखिए, अयान सृष्टि और पापा कर रहे हैं छिलने में। शाम के लगभग अभी 6:30 बज रहे हैं और अभी के टाइम पे मैं, माँ और बच्चे आ रखे हैं गौशाला में। थोड़ी देर पहले माँ ने जो किचन गार्डन से मुंगरठे वाला घास निकाला था ना, तो उसको लेके मैं यहाँ छाने में आ रखी थी और बाकी भाभी ने देखिए सुबह का जो घास ला रखा हुआ है खेतों से वो भी वहाँ पे रखा हुआ है। इसी के साथ हम दूध की बाल्टी भी लेके आए, बाकी दूध निकालने का काम भाभी करेगी वो भी थोड़ी देर बाद। भाभी अभी के टाइम पे घास लेने गई है खेतों में। और अभी देखिए माँ ने ना भैंसों को अंदर बांध दिया है और साथ में ये वाली घास भी दे दी है खाने के लिए। तो आजकल हमारे बैल भी घर पे ही है, डांडा की छाने नहीं रहते हैं। यहाँ गौशाला के नीचे साइड ना खूब सारी कद्दू की बेलें हो रखी है, वो भी बड़ी बड़ी, और आजकल इस बेल पे ना खूब सारी फ्लावरिंग भी हो रखी है। कद्दू तो एक भी नहीं लगे हुए हैं लेकिन फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। इसी के साथ यहाँ पे बड़ी बड़ी बिच्छू घास भी हो रखी है और यहाँ ठीक आगे के साइड देखिए काकड़ी की बेल हो रखी है और इस बेल पे ना बहुत सारी मात्रा में काकड़ी की फुलड़ी लगी हुई है। तो इन छोटे छोटे काकड़ी को ना हमारे गढ़वाल के लैंग्वेज में फुलड़ी बोलते हैं। देखिए एक फुलड़ी यहाँ पे है और फूल तो इतने ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं ना भाई साहब, क्या ही बोले जी। और हर जगह देखिए फुलड़ी फुलड़ी लगी हुई है, ये देखिए जी भाई साहब मस्त हो रखा है भाई यहाँ हमारे गौशाला में, हरा भरा माहौल। और इस साइड भी कद्दू की बेल भी है और साथ में खीरे की भी। और यहाँ देखिए जी, ये देखिए ये है कद्दू, तो ये ना गोल वाले कद्दू हैं और इन कद्दू को हमारे गढ़वाल में खरबूज बोलते हैं। अभी तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं लेकिन जब ये बड़े होते हैं ना उसके बाद इनका साइज ऐसा गोल आकार का हो जाता है और इनकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है भाई खाने में। तो अभी माँ नीचे वाले खेत में जा रखी है, तो इस खेत में ना पूरी काकड़ी की बेल जा रखी है, तो माँ कह रही है कोई और न तोड़ दे इसलिए छोटी ही तोड़ दी। दिखा, ये देखिए जी, मसाला से मैं घर भी आ गई हूँ और हमारे घर के ठीक बगल पे
ये जो खेत है ना, इस खेत में देखिए मंडवा कितना ज़्यादा बड़ा वर्क है, यानी कि कोई कोई मंडवा ना मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए जी भाई साहब, तो यहाँ देखिए सामने के साइड में बहुत ज़्यादा बड़ा वर्क है। तो थोड़ी देर पहले देखिए माँ ने किचन गार्डन से काफ़ी सारी मुंगरिया तोड़ी थी, और अभी के टाइम पे माँ ने इन्हें ना उबाल भी दिया है। और ये पहाड़ी मुंगरिया है, इनका साइज़ देखिए छोटा है लेकिन इनके दाने काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो चलिए जी अब पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारों के बीच टेस्टी टेस्टी मीठी मीठी मुंगरी खाने का आनंद ले लेते हैं। तो लीजिए अब हो गया है डिनर बनाने का टाइम। तो आज का डिनर देखिए माँ ही बना रही है। तो आज के डिनर में हरा साग बन रहा है, और मम्मी कह रही है सुबह का कद्दू की सब्जी भी बची हुई है, तो सब्जी तो वही हो जाएगी, इसके साथ हरा साग बना देंगे मूली के पत्तों का। और अब मैं करती हूँ माँ की खाना बनाने में मदद, यानी कि अब गूंदने वाली हूँ मैं आटा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना रखते हैं, होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहाड़ी लाइफस्टाइल अलग अलग तरीके की वीडियो यहाँ पर लाती रहती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का एक सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन करता है इसी तरह की नई नई वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए जी मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।